पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव ने किया आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन। पूर्णिया में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पप्पू यादव ने गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इससे पहले पप्पू यादव बुलेट बाइक पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन किया है, लेकिन कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और वहीं कुछ लोग पप्पू यादव को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश कभी भी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपार मतों से पूर्णिया में उनकी जीत सुनिश्चित है। का संकल्प है मेरा, हर परिवार को पढ़े लिखे बेटियों को रोजगार और हर युवाओं के लिए संकल्प के साथ मेरा कोई मतलब नहीं। कौन क्या करता है, बिहार के हर परिवार के लिए जीने और उसकी सेवा करने का मेरा एक लक्ष्य, कोशिश सीमांचल को दुनिया में नंबर वन करने का मेरा लक्ष्य और हर तरह के भ्रष्टाचार को मिटा देने का 4 दिन के बाद मेरा एक संकल्प।